हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो मैंने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप, एंड अगर आपकी कोई भी डाउट होगी तो कोई भी स्टूडेंट पूछ देगा। एंड अगर आप लोग पर्सनली हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट वगैरह कब आएगी एंड कब इनकी फेज 3 वगैरह स्टार्ट होगी, तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो अभी आपकी फेज 1 चल रही है एंड जो उसकी लास्ट डेट है वो है 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर तक आप लोग उसकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप उसे बोल सकते हो वो फिल कर रहे हो, एंड बहुत सारे बच्चे ने तो कर दिया एंड कुछ अभी बचे हुए हैं तो वो भी फिल कर देंगे। उसके बाद जो आपकी सेकेंड फेज होगी जिसमें आपको अपनी कॉलेज एंड कोर्स सेलेक्ट करनी होगी वो स्टार्ट होगी 26 सितंबर से। तो 26 सितंबर से आपकी सेकेंड फेज स्टार्ट होगी एंड जो उसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर तक आप लोग उसमें कॉलेज एंड कोर्स प्रिफरेंस वगैरह फिल कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी थर्ड फेज होगी जिसमें आपकी मैरिट लिस्ट निकलेगी, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे तो उनकी जो मैरिट लिस्ट वगैरह निकलेगी उनकी डेट अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं की है, बट इन्होंने बताया है कि जो आपकी मैरिट लिस्ट की डेट होगी वो 10 अक्टूबर तक आ जाएगी। तो आप लोग बोल सकते हो कि आपको अगले मंथ डेट देखने को मिल जाएगा आफ्टर 3 अक्टूबर, जब इनकी फॉर्म वगैरह क्लोज हो जाएगी तो उस वीक में आपकी जो मैरिट लिस्ट की डेट होगी वो भी ये अनाउंस कर देंगे, तो आप लोग तब तक वेट कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।